गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन सिक्स, नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया क्या है? एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम है चुनमुन, और वो अपनी माँ से बातें कर रही है। पहले वो कहती है कि माँ मुझको उड़ने दो। तो माँ उसकी कहती है कि नहीं, अभी नहीं उड़ो, अभी तुम छोटी हो, जब पंख उड़ाए तब उड़ना। जब पंख उसके हो जाते हैं फिर वो अपनी माँ से जिद करती है कि माँ मुझको दाना लाने दो, अब तो पंख उग गए हैं। तो फिर माँ उसकी मना करती है कि अभी पंख थोड़े बड़े होने दो और मजबूत होने दो, तब उड़ना। धीरे धीरे करके रोज इस तरह से वो अपनी माँ से जिद करती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अंत में जब वो उड़ने लायक हो जाती है तब उसकी माँ से वो कहती है कि माँ अब मुझको उड़ जाने दो, मुझको दाना लाने दो। तब उसकी माँ उसको उड़ने की आज्ञा देती है कि हाँ अब तुम उड़ जाओ। नन्ही चिड़िया चुनमुन बोली, माँ मुझको उड़ जाने दो। माँ बोली, पीछे से उड़ना, पंख जरा उग जाने दो। पंख उगे, चुनमुन बोली, माँ मुझको दाना लाने दो। माँ बोली, दाना तब लाना, पंख बड़े हो जाने दो। पंख बड़े, चुनमुन बोली, माँ उड़कर दाना लाने दो। माँ बोली, अब उड़ो लाडली, मुझको गाना गाने दो। तो ये एक छोटी सी नन्ही चिड़िया और उसके माँ के बीच की बात हो रही है, जो वो आपस में बातें करती है। तो जैसे इंसान आपस में बातें करते हैं वैसे ही पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं। ये कविता हमको ये बताती है कि सिर्फ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी अपनी अपनी भाषा में बातें करते हैं और उनके माता पिता भी उनकी देखभाल करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख है, इस कहानी से नहीं, कविता से। थैंक यू।